नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सरायकेला खरसा जिले के इचगढ़ प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव दियांडी निवासी डॉक्टर अभिमन्यु महतो को रांची में आयोजित विकास मेला में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा बुधवार को नियुक्ति पत्र दिया गया। वैसे डॉक्टर अभिमन्यु महतो जीपीएससी में सातवीं रैंक लाकर क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया। उसी के साथ मैं हमारे जिला के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट सरायकेला खरसा में लोगों को सेवा करने का मौका मिला है। मैं पूरे जोर शोर से पूरा खुशी के साथ लोगों का मैं सेवा प्रदान करूंगा। सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र के उपाध्यक्ष सरवर आलम के साथ कपालियों पर प्रभारी द्वारा धक्का मुक्की और दुर्व्यवहार करने से नाराज नगर परिषद उपाध्यक्ष ने अपने समर्थकों के साथ थाने के समक्ष आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन की शुरुआत की। इसी दौरान थाना प्रभारी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो पहले उस गरीब का गिरेबान पकड़ते हैं कि लाओ कागज, लाओ पत्थर लाओ, और मान लीजिए कि वो गरीब आदमी अगर कागज पत्थर ढंग से दिखाने में कामयाब नहीं होता है तो वहाँ काम करने वाले मजदूर तक को भी मार के भगा देते हैं। और जब ये प्रभारी महोदय को मजबूरी में एक गरीब बेबस आदमी चढ़ावा चढ़ा देता है तो सारा चीज़ जायज़ हो जाता है। मामला यही था, इसी का लेकर मैं उनसे लगातार विरोध कर रहा था, लगातार उनसे कि आप इस तरह का काम नहीं करिए। लगातार उनका रवैया इसी प्रकार है और आगे भी लगता है कि वो रहेंगे, इसीलिए हम लोग उनको यहाँ से हटाने का डिमांड किया। इसलिए धन्यवाद। सरायकेला खरसा जिला के इचगढ़ प्रखंड क्षेत्र का सीतू व सोडो पंचायत सचिवालय में पारिवारिक संपत्ति बंटवारे को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वैसे पुरानी पुस्तैनी जमीन को लेकर हिस्सेदारों में बंटवारा नहीं होने से सरकार को जहां सही लगान का भुगतान नहीं हो रहा है, वहीं खरीद बिक्री तथा हिस्सेदारों में पारिवारिक विवाद का समाधान नहीं हो पा रहा है। वैसे लोगों को पैतृक संपत्ति का बंटवारे के लिए स्वयं अपनी पुस्तैनी संपत्ति का ब्यौरा तैयार करने, नक्शा तैयार करने, बंसावली बनाने तथा डीड तैयार कर निबंधन कराने के संबंध में अंचल टीम द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। तिरुली से विद्युत महतो की रिपोर्ट। और इसका प्रोसेस है, आपने पुस्तैनी संपत्ति का ब्यौरा तैयार करना, उसके बाद आपसी सहमति से सभी हिस्सेदारों के बीच संपत्ति का बंटवारा करना है, उसके बाद आपसी बंटवारा के आधार पर अमीन से नक्शा तैयार करना है, उसके बाद आप पारिवारिक वंशावली तैयार कर मुखिया द्वारा सत्यापित करना है। झारखंड सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण सभी मेला समितियों को बंद रखने का आदेश आग्रह किया गया है, जिसको लेकर कपाली स्थित एक होटल में कुर्मी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष लालटू महतो द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। टूसु मेला को बात को लेकर हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि जिस तरह से सभी लोग जानते हैं झारखंड का एक धरोहर पर्व है टूसु मेला, जो इस साल कोरोना के चलते क्वेश्चन मार्क में सरकार द्वारा रखा गया हर कमेटियों को, तो मैं आग्रह करना चाहूंगा, सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार कुछ गाइडलाइन सरकार के तरफ से दिया जाए और हर कमेटी को कहीं बुलाकर शांति समिति की एक बैठक कर और इसको पुनः आदेश दिया जाए, ताकि टूसू मेला जितने भी हम लोग आदिवासी मूलवासी भाई हैं सभी लोग इसको संस्कृति को बचाने में और सरकार से यही अपेक्षा चाहेंगे, कोई गाइडलाइन अनुसार इसको आदेश दिया जाए।